गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर लिया था बेटा, और आपने नया सिलेबस देख भी लिया होगा। जो सिलेबस रिवाइज हो गया है बेटा, उसमें ज्यादा सिलेबस नहीं हटा है, कुछ टॉपिक्स हटे हैं। एक ये वाला चैप्टर ही है, चैप्टर नंबर 8 चुंबकत्व वाला, जिसमें सबसे ज्यादा टॉपिक हटे हैं। बाकी इससे पहले आप देखोगे तो एक एक चैप्टर से एक एक टॉपिक हटा रखा है, ज्यादातर एक एक टॉपिक ही हटाया हुआ है। पिछले 7वें चैप्टर में साइक्लोट्रॉन हटाया है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हटाई, उस दिशा से तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो हमारा जो है ना, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो दिशा तो ज्ञात करनी पड़ेगी, तो वो नाम का हटाया उसमें। साइक्लोट्रॉन एक टॉपिक हटाया है। 6वें चैप्टर में विभूमापी का एक अनुप्रयोग हटाया है, और उसमें भी वो अनुप्रयोग आज तक एग्जाम में पूछा भी नहीं गया है, और उसका हम प्रैक्टिकल करते हैं। अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, तो वो भी कोई ज्यादा नहीं हटाया। हाँ, 5वें चैप्टर में कुछ टॉपिक हटे हैं, प्रतिरोध हट गया, श्रेणी क्रम समांतर क्रम हट गया, कार्बन प्रतिरोध हट गया, ओम का नियम हट गया, ठीक है। इसके अलावा तो सारा ही कुछ पढ़ा है उस चैप्टर में, तो वो भी ज्यादा नहीं हटा। 4 चैप्टर में केवल एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभिन्न प्रकार के अलग अलग पदार्थ भरे हो, अलग अलग परावर्तितांक, अलग अलग मोटाई के, वो टॉपिक हटाया है, तो वो भी कोई खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, वो भी एक ही टॉपिक हटाया है। 3rd चैप्टर में गोलीय कोष के कारण विभव, एक टॉपिक हटाया है, विभव और विभवांतर हटाया है। वो तो हटा देंगे, या उसको एग्जाम में नहीं पूछा तो उस चैप्टर को समझने के लिए विभव विभवांतर तो आना ही चाहिए, उसके बाद ही तो चैप्टर स्टार्ट होता है। 3rd और 2nd चैप्टर से गॉस के नियम का एक अनुप्रयोग हटा है, गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 1st चैप्टर से कुछ भी नहीं हटा है, तो जो 7 चैप्टर तक हमने पढ़ा उसमें कुछ एक टॉपिक हटे हैं, कोई बात नहीं, अगर वो हट भी गए तो हमें उनको पढ़ना जरूरी था, क्योंकि वो आना ही चाहिए। अब 8वें चैप्टर में उसने जो हटाया है सिलेबस, जो हमारा रिवाइज हुआ है, उसमें काफी टॉपिक हटाए हैं 8वें चैप्टर से, बाकी 9वां में कुछ नहीं हटाया, 10वां में भी 2 टॉपिक हटाए हैं। ऐसे करके सिलेबस से आपको लगेगा कि 40% की बजाय आपको 5-10% के बीच में कोर्स रिड्यूस किया, इसलिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम ज्यादातर चीजें पढ़नी ही पड़ेंगी, ठीक है, जो हटाया उसको हम नहीं पढ़ेंगे। अब 8वें चैप्टर की बात करें अपन, चुंबक तो वैसे 3 नंबर का चैप्टर है, 1 नंबर का क्वेश्चन और 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है चैप्टर से कंफर्म हर साल। तो अब इसमें मार्किंग स्कीम तो बाद में आएगी, पहले जो सिलेबस रिड्यूस किया उसमें क्या क्या हटाया वो देखो 8वें चैप्टर से। 8वें चैप्टर से जो 2 प्रकार के चुंबक होते हैं जो सब जानते हैं, प्राकृतिक चुंबक और एक आर्टिफिशियल जो अपन बनाते हैं, वो 2 प्रकार के चुंबक होते हैं जिससे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बस वो होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, वो हटाया। उसके बाद जो एक दंड चुंबक होता है उसके गुण धर्म, भाई क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है चुंबक की, चुंबक के बारे में क्या क्या हम पढ़ते हैं वो सब हटाया है, ठीक है। उसके बाद कुछ परिभाषाएं जो हम पढ़ते हैं चुंबकत्व से संबंधित वो हटाई है, और उसके बाद इस चैप्टर में से अपना टॉपिक स्टार्ट होता है भू चुंबक, ठीक है ना। इससे पहले जो है, इससे पहले का चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, एक चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष पर निरक्ष पर, ये कुछ एक टॉपिक हमारे यहाँ से हटाए गए। तो इस चैप्टर से ज्यादा थोड़े से टॉपिक हटाए, बाकी तो कुछ एक सिलेबस ही हटाया आपका, ठीक है। तो इस चैप्टर में अपना पहला टॉपिक स्टार्ट होता है भू चुंबकत्व, ठीक है, भू चुंबकत्व के अवयव और फिर कुछ परिभाषाएं और उनमें आपस में संबंध, और एक हाइस्टेरेसिस लूप, मतलब सबसे छोटा बना दिया इस चैप्टर में। 4-5 टॉपिक हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा भू चुंबकत्व। भू का मतलब पृथ्वी, पृथ्वी भी एक चुंबकत्व की भांति व्यवहार करती है, पृथ्वी भी चुंबक की भांति व्यवहार करती है, ऐसा माना जाता है, ऐसा होता है कि पृथ्वी जो है वो चुंबक की भांति व्यवहार करती है, और इसके कई सारे प्रयोग करके देखे गए। पहला प्रयोग तो यही देखा गया कि एक दंड चुंबक को, एक छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं पृथ्वी की सतह पर, तो हम देखते हैं कि वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। इसका मतलब इस पृथ्वी का कोई चुंबकीय क्षेत्र, उसके कारण ही उस पर कोई बल लगता है, वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। तो कई चीजें हैं, एक हम उदासीन बिंदुओं की बात करेंगे, पृथ्वी के अंदर कई जगह पर उदासीन बिंदु आते हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ वहां पे चुंबकत्व है जिसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो कई सारे कारणों से हमें पता चलता है कि वास्तव में पृथ्वी के अंदर चुंबक है। अब चुंबक कैसे बना पृथ्वी के अंदर, कि हमने कैसे बन सकता है, हमने एक लोहे की वस्तु या एक लोहा लिया और उसको काफी समय के लिए जमीन के अंदर गाड़ दिया, तो देखा गया कुछ समय के पश्चात देखा गया कि वो चुंबक की भांति व्यवहार करता है, जिसे हम भू चुंबकत्व कहते हैं, ठीक है ना। ये बहुत सारी कहानियां हैं और ऐसा हम सुनते हैं। तो अब इसके अंदर होता क्या है, देखो जो पृथ्वी है उसको गोल बोला गया, पृथ्वी गोलीय शेप में होती है ऐसे, और पृथ्वी में देखा जाए तो अक्ष और निरक्ष, इसको पृथ्वी की अक्ष बोलते हैं, ये अक्ष होगी और ये क्या होगी, इसकी निरक्ष, ठीक है ना।
इस दिशा में भौगोलिक उत्तर बोला जाता है, इसको भौगोलिक उत्तर दिशा, भौगोलिक उत्तर दिशा, और यह भौगोलिक दक्षिण दिशा होती है। यह आपकी भौगोलिक दक्षिण दिशा है, इसको उत्तर बोला गया, इसको दक्षिण बोला गया नीचे वाले को, ठीक है। इसको जनरली एन जी से निर्देशित कर देते हैं और इसको एस जी से निर्देशित कर, जी फॉर जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल साउथ, जियोग्राफिकल नॉर्थ। उसके बाद ये आपका अक्ष हो गया भौगोलिक उत्तर और दक्षिण भी हम इसमें बता सकते हैं, या हम बोलेंगे ये आपकी अक्षीय रेखा है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, अक्षीय भौगोलिक अक्ष। उसके बाद देखो, अगर एक चुंबक को इसमें स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वो कुछ इस तरह से कहती है, जिधर भौगोलिक अक्ष है ये आपकी होगी चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष। और इधर आपका हो गया एन एम भौगोलिक उत्तर और ये भौगोलिक चुंबकीय उत्तर, इसको बोलेंगे चुंबकीय उत्तर, और ये आपका होगा चुंबकीय दक्षिण एस एम। ये आपकी चुंबकीय अक्ष होगी, ये आपकी भौगोलिक अक्ष, सॉरी उल्टा बता दिया मैंने, ये निरक्ष होगी और ये अक्ष होगी, नहीं ये अक्ष तो यही है, सॉरी उल्टा बता दिया, एक सेकेंड इसको चेंज कर लेते हैं, एक्स और निरक्ष को वापस ले लेते हैं। ये आपकी निरक्ष होती है और ये आपकी अक्ष होती है, बस इतना ही फर्क है इसमें, इसको हम बोलेंगे निरक्ष और ये आपकी होगी अक्षीय भौगोलिक अक्ष, ठीक है ना, भौगोलिक अक्ष। इस तरह से देखो, ये जो भौगोलिक अक्ष है इसके लंबवत जो तल होता है, इसका जो लंबवत तल होगा निरक्ष पे, उसको बोला जाता है भौगोलिक यामोत्तर, इसको क्या बोला जाएगा, ये भौगोलिक यामोत्तर। जियोग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है ना, ये आपका भौगोलिक यामोत्तर। और जो चुंबकीय अक्ष के अनुदिश लंबवत तल है, इसके जो लंबवत तल है ये वाला, इसको बोला जाता है चुंबकीय यामोत्तर, चुंबकीय अक्ष के लंबवत तल को चुंबकीय यामोत्तर बोला जाता है, यामोत्तर, मैग्नेटिक मेरिडियन। और इन दोनों के बीच 11.3 डिग्री, ये जो कोण होता है वो 11.3 डिग्री होता है। दोबारा से सिखाता हूं, पृथ्वी जिसकी ये तो निरक्ष होगी, ये अक्ष होगी, इसको अक्षीय रेखा बोलेंगे, ये एक्सिस है, जिसके ऊपर एक्सिस के अनुदिश पृथ्वी गोल घूमती है, ठीक है ना, 24 घंटे अपने अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है। ऊपर वाली जो दिशा होती है उसको भौगोलिक उत्तर बोलते हैं, इसको भौगोलिक दक्षिण बोलते हैं, और चुंबकीय जो क्षेत्र है या जो चुंबकीय अक्ष होती है वो इससे 11.3 डिग्री कोण पर झुकी हुई होती है, इधर आपका उत्तर हो गया, इधर आपका दक्षिण हो गया, इसके लंबवत तल को बोला जाता है चुंबकीय यामोत्तर, और भौगोलिक अक्ष के लंबवत तल जो होता है उसको बोला जाता है भौगोलिक यामोत्तर, और इन दोनों के बीच का कोण 11.3 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो ये हमें भूचुंबकत्व के बारे में डायग्राम अच्छे से ध्यान होना चाहिए। अब हम बात करें भूचुंबकत्व के अवयव, इसके हम तीन अवयव पढ़ेंगे बेटा, भूचुंबकत्व के अवयव, कि भाई भूचुंबकत्व को समझने के लिए ये तीन अवयव हमारे पास इंपॉर्टेंट है। पहला आपका है दिक्पात कोण, दिक्पात कोण, दूसरा है नति कोण या नमन कोण, और तीसरा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, और यहीं से क्वेश्चन आएगा कंफर्म, इस चैप्टर में से बचा ही क्या है, यहीं से कंफर्म क्वेश्चन आना है इसी टॉपिक से, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक,
पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हम बात करते हैं इसकी, तीनों अवयवों के बारे में पढ़ते हैं, फिर इससे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। पहला अवयव है बेटा आपका दिक्पात कोण, जिसको कैपिटल डी से निर्देशित किया जाता है, इसको थीटा से निर्देशित करते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक जिसको बी एच से निर्देशित करते हैं। पहला हम पढ़ेंगे दिक्पात कोण, फर्स्ट हम बात कर रहे हैं दिक्पात कोण की। देखो दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दिक्पात कोण जिसको आप कैपिटल डी से निर्देशित करते हो, पृथ्वी के भौगोलिक याम्योत्तर व चुंबकीय याम्योत्तर के मध्य बनने वाले कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। तो आपको पता है कि भौगोलिक याम्योत्तर व चुंबकीय याम्योत्तर एक दूसरे से 11.3 डिग्री के कोण पे थे, मतलब जो पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष थी और चुंबकीय क्षेत्र की जो अक्ष है उनके बीच 11.3 डिग्री का कोण था। तो जो इनके लंबवत तल होंगे जिनको हम याम्योत्तर बोलते हैं वो भी 11.3 डिग्री का होंगे। तो देखो इसको मैं ऐसे मान लेता हूं कि सपोज ये आपका इस तरह से आपने भौगोलिक याम्योत्तर दिखाया, और अगर चुंबकीय याम्योत्तर की बात करें, अगर हम चुंबकीय याम्योत्तर की बात करें अगर अपन चुंबकीय याम्योत्तर की बात करें इस तरह से, ये तो चुंबकीय याम्योत्तर हो जाएगा, ये आपका भौगोलिक याम्योत्तर। ये कौन कैपिटल डी, ये कौन भी कैपिटल डी, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के मध्य बनने वाले कौन को दिक्पात कौन कहते हैं, इस वाले कौन, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र जो था, चुंबकीय याम्योत्तर भौगोलिक याम्योत्तर से कुछ कोण पे था, ठीक है ना, इसको भौगोलिक याम्योत्तर बोला, इसको चुंबकीय याम्योत्तर, मतलब ये लंबवत तल जो है ना वो इस तरह से दिखाने, और इसके बीच बनने वाले कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। परिभाषा क्या लिखी जाएगी, पृथ्वी के भौगोलिक याम्योत्तर, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है और छोटा सा टॉपिक है, भौगोलिक याम्योत्तर व चुंबकीय याम्योत्तर के मध्य बनने वाले कोण को दिक्पात कोण कहते हैं, दिक्पात कोण, दिक्पात कोण कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, दिक्पात कोण। और देखो पृथ्वी की सतह पर अगर दिल्ली के लिए बात करें, अपन दिल्ली में देखा गया ये दिक्पात कोण 41 आर्क मिनट ईस्ट है, और मुंबई में ये कोण जो है, मुंबई का जो भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर है वहां 58 आर्क मिनट वेस्ट में, ठीक है ना, ये दिशा भी दिखा रखते हैं साथ में। 41 आर्क मिनट, 60 आर्क मिनट का एक डिग्री होता है, ये 58 आर्क मिनट है मुंबई के लिए, मुंबई की भौगोलिक याम्योत्तर चुंबकीय याम्योत्तर जो कोण है वो 58 आर्क मिनट वेस्ट में है और दिल्ली में 41 आर्क मिनट ईस्ट में है, ठीक है। तो पहला आपका अवयव हो गया दिक्पात कोण, जिसकी आपको परिभाषा पता होनी चाहिए, थोड़ा सा डायग्राम पता होना चाहिए। भौगोलिक याम्योत्तर जैसे आपने एक डायग्राम बनाया था उसमें आपने तल लंबवत तल ये लिया था, और चुंबकीय याम्योत्तर इसके लंबवत तल कुछ ऐसे था, ठीक है ना, तो वो हमने ऐसे ही दिखाया है, और ये आपने एकदम सामने दिखाया है, इसके बीच जो कोण बन रहा है, इनके तलों के बीच जो कोण बन रहा है उसे दिक्पात कोण कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, दिक्पात कोण। दूसरा पृथ्वी का नदी कोण, नमन कोण या चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ये दोनों एक साथ आपको क्लियर होंगे। देखो
आपने क्या किया, एक छड़ चुंबक की बात करी, एक चुंबकीय सुई ले ली, एक चुंबकीय सुई को आपने स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे रखा है, चुंबकीय सुई थी आपके पास, ठीक है, ये आपका N और ये S, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया तो उत्तर दक्षिण दिशा में इस तरह से गया, तो जिस दिशा में रुकता है उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होता है N to S, तो B की दिशा इधर हो। अब देखो ध्यान से, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है तो इसका क्षैतिज घटक ये वाला होगा और लंबवत ऊर्ध्वाधर घटक इधर होगा, यह आपका ऊर्ध्वाधर घटक वर्टिकल कंपोनेंट और ये आपका क्षैतिज घटक BH, और इस कोण को बोला जाता है नमन कोण या नति कोण थीटा को। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र व इसके ऊर्ध्वाधर घटक के बीच, सॉरी क्षैतिज घटक के मध्य बनने वाले कोण को नति कोण या नमन कोण कहते हैं। दूसरी परिभाषा लिखो, सेकंड पॉइंट, नति कोण या नमन कोण, ये जो डायग्राम है वो इसमें भी बना सकते हैं और इसमें भी, दोनों में काम आएगा। तो हमने क्या किया, एक चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया तो वो किस तरह से रुकी, हमने उसको ऐसे देखा, तो हमने बोला कि भाई एन ऊपर एस नीचे, तो इधर एन मान लिया इधर एस मान लिया, ठीक है, तो एन से एस की तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है तो चुंबकीय क्षेत्र को हमने ऐसे मान लिया, तो इसका क्षैतिज घटक ये होगा और ऊर्ध्वाधर घटक ये होगा, तो पृथ्वी की, सॉरी चुंबकीय सुई को जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बोल दो, भाई पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ही होगा, फिर चुंबकीय क्षेत्र व इसके क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के मध्य बनने वाले कोण को नति कोण या नमन कोण कहते हैं। तो कैसे लिखोगे परिभाषा नति कोण या नमन कोण की, जिसको हम थीटा से निर्देशित करते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र व पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के मध्य बनने वाले कोण को नति कोण या नमन कोण कहते हैं, नति कोण या नमन कोण कहते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के मध्य बनने वाले कोण को नति कोण या नमन कोण कहते हैं, जिसे थीटा से निर्देशित किया जाता है। ये कोण हमेशा न्यून कोण होता है, ये कोण हमेशा न्यून कोण होता है, ठीक है। पृथ्वी के अक्ष पर इसका मान 90 डिग्री और निरक्ष से 0 डिग्री होता है। पृथ्वी के अक्ष पे नति कोण का मान 90 डिग्री और निरक्ष पे इसका मान 0 डिग्री होता है। ये एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था एग्जाम में, एक नंबर का, ठीक है। उसके बाद बात करें तीसरा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, तीसरा पॉइंट आपका है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आपको क्षैतिज घटक दिख रहा है DH, इसको हम क्षैतिज घटक बोल रहे हैं, इसको ऊर्ध्वाधर घटक बोल रहे हैं, तो इसका मान क्या होगा, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र आपने स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई चुंबक को, तो चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में N to S, ये कोण थीटा है, इसको हमने नति कोण बोला, तो क्षैतिज घटक को हम कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखो, ये कोण थीटा, तो थीटा के बी के दो घटक लिखोगे BH, BH का मान क्या होगा बी कॉस थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा बी साइन थीटा। समीकरण संख्या एक, समीकरण संख्या दो, BH बराबर बी कॉस थीटा, बीबी बराबर बी साइन थीटा। अब देखो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालना, आपके पास ये दोनों घटक, तो दो चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि होती है, दो लंबवत सदिशों के परिणामी सदिश की बात करें, अगर हम बी की बात करें, चूंकि बी का मान कितना है, अंडर रूट ऑफ बी एच स्क्वायर प्लस बीवी स्क्वायर प्लस टू बी एच बीवी कॉस थीटा की जगह 90 डिग्री, इसका मान कितना है 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो, तो ये वाले टर्म जीरो होगी, तो बी का मान आ गया बेटा अंडर रूट ऑफ बी एच स्क्वायर प्लस बीवी स्क्वायर,
ठीक है, अब आपको ज्ञात क्या करना है, आगे वाला टॉपिक थीटा ज्ञात करना हो, जैसे बी एच बी भी पता हो तो समीकरण एक और दो से ध्यान से देखो, दो में एक का भाग दे दो, बीवी बटा बी एच, बीवी बटा बी एच बराबर बी साइन थीटा बटा बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा बटा बी कॉस थीटा, बी से बी कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू बीवी बटा बी एच, थीटा बराबर टेन इनवर्स बीवी बटा बी एच, थीटा का मान आ गया टेन इनवर्स बीवी बटा बी एच, ऊर्ध्वाधर घटक बटा क्षैतिज घटक, ठीक है, इस तरह से हम ज्ञात कर रहे हैं। ये चुंबकत्व के तीनों अवयव हमने डिस्कस कर लिए, अब इसमें एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर में फिर लास्ट में कुछ परिभाषाएं और उनमें संबंध है चुंबकत्व से संबंधित, वो पढ़नी है, और फिर हम पढ़ेंगे शैथिल्य वक्र, मतलब इसमें से जो हटाया है ना वो नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन देखो, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.25 गॉस है, चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया होगा, आपका सॉल्व क्वेश्चन ही बता रहा हूं, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, मतलब क्षैतिज घटक दिया हुआ बी एच बराबर 0.25 गॉस, सीजीएस मात्रक दिया हुआ 0.25 गॉस, नति कोण का मान 60 डिग्री है, थीटा का मान 60 डिग्री है, नति कोण का मान कितना है 60 डिग्री। उसके बाद देखो ऊर्ध्वाधर घटक का मान ज्ञात कीजिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात कीजिए, मतलब बीवी का मान पूछा है और बी का मान पूछा है, दो चीजें पूछी है, बीएच दिया हुआ, थीटा दिया हुआ, बीवी और बी पूछा है, ध्यान से देखो सवाल, ये मान दिया हुआ है तो क्षैतिज घटक का अभी अभी सूत्र देखा था बी एच बराबर बी कॉस थीटा, तो यहां से बेटा बी आ जाएगा आपका डायरेक्ट, बी एच आपको पता है, थीटा का मान पता है, तो बी का मान देखो बी बराबर बी एच अपॉन कॉस थीटा, बी एच का मान कितना दे रखा है 0.25, कॉस थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, कॉस 60 कितना होता है बेटा साइन 30 1/2, तो 0.25 बटा 1/2, 2 ऊपर चला गया, 0.25 मल्टीप्लाई 2 0.50 गॉस आंसर आ गया, ये चुंबकीय क्षेत्र आ गया। अब उसके बाद उसने ऊर्ध्वाधर घटक भी पूछा है, बीवी, बीवी का सूत्र होता है बी साइन थीटा, अभी अभी सीखा है इससे दिक्कत नहीं है, क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक में दिक्कत नहीं है कि बहुत आसान सा टॉपिक है, बी का मान 0.50, साइन थीटा का मान 60 डिग्री, साइन 60 √3/2 0.50 मल्टीप्लाई √3/2, तो उसे इसको काट लो 0.25 √3 गॉस, ये आपका मान आ गया बी, और ये आपके बी का मान आ गया, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और नति कोण ऊर्ध्वाधर घटक, सेम ही क्वेश्चन है, ये तो करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है ना बेटा, और क्वेश्चन देख लेना, इसमें बुक में कोई क्वेश्चन हो तो सॉल्व करना, इस तरह के न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत आसान है, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, थैंक यू।